स्कूलों में छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस बाबत अधिक जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा उप निदेशक प्यार सिंह चाड़क ने बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति छात्रों तक पहुँचाई जा रही है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर SC और OBC योजना, स्वामी विवेकानंद योजना, ठाकुर सेन नेगी योजना और IRDP के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में अलग अलग प्रकार की जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जा रही है, और खासकर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उन सभी कैटेगरी के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कॉलरशिप स्कीम है SC स्टूडेंट्स के लिए, ये 10th क्लास के बच्चों के लिए है, और जो 10वीं में 1250 बच्चे मेरिट में आते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप स्कीम है, और इसका साल का जो अमाउंट है जो पर एनम मिलेगा वो 12,000 पर स्टूडेंट। इसी तरह OBC की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना है, जो कि 1,000 बच्चे जो स्टेट में मेरिट पर आएंगे उनको मिलेगा, और इसकी जो राशि है वो 10,000 रुपये पर एनम। इसी तरह जो ST के बच्चे हैं उनके लिए ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना है, और ये जो छात्रवृत्ति है ये हिमाचल प्रदेश में जो 100 लड़के ST के टॉपर हैं और 100 लड़कियां जो ST की टॉपर हैं उनको ये 11,000 रुपये पर एनम मिलता है, और जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम है, और ये हिमाचल प्रदेश के 2,000 मेरिटोरियस बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलता है, और इसका जो अमाउंट है वो 10,000 पर एनम। इस स्कॉलरशिप स्कीम्स के अलावा भी कुछ स्कीम जो हमारे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं, और एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम एक और है IRDP स्कॉलरशिप है, वो अगर हम बात वैसे तो सभी क्लास को मिलता है लेकिन हम 9th-10th की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो 9th-10th के जो बच्चे हैं उनको ये स्कॉलरशिप स्कीम है, बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी, और 6th-10th जो बॉयज़ हैं उनका जो रेट है वो 300 रुपया है और जो गर्ल्स का है वो 600 रुपये का, जबकि +1 और +2 के दोनों बॉयज़ और गर्ल्स का इसका 800 रुपया जो साल का मिलता है IRDP के बच्चों को। तो मैं बात कर रहा था दूसरे सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, तो उसमें भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग स्कीम्स हैं, जैसे प्री मैट्रिक SC कैटेगरीज के लिए स्कीम है 9th और 10th क्लास के लिए, ये इसका स्कॉलरशिप अमाउंट 3,000 है, और प्री मैट्रिक ST है 9th-10th के लिए इसका जो अमाउंट है वो 2,250 है, 2,250 है। प्री मैट्रिक OBC के लिए 1st-10th है ये 1,500 रुपया है। पोस्ट मैट्रिक SC के लिए है 230 रुपये पर मंथ है प्लस फीस पेड बाई द स्टूडेंट। इस तरह पोस्ट मैट्रिक ST स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी 11th और 12th के बच्चों के लिए है, ये 230 रुपये पर मंथ है प्लस फीस पेड बाई द स्टूडेंट है। पोस्ट मैट्रिक OBC है +1 +2 के बच्चों के लिए, ये 160 रुपये पर मंथ है, और साथ में जो बच्चे ने जो फीस की है साल भर जो पे की है उसका भी उसको रिमबर्स जो मिलता है। और इन सभी जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम है सेंट्रल्स को इसके लिए इनकम सीलिंग है, इन सभी के लिए जो इनकम सीलिंग है वो 2,50,000 रुपये पर एनम है। जिन इन कैटेगरीज के बच्चों की जो एनुअल इनकम है, बच्चों की नहीं पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2,50,000 से कम है तो उनको ये स्कॉलरशिप स्कीम्स आते हैं। और ये सारी जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं हमारे सभी स्कूलों में हाई और सेकेंडरी स्कूलों में बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले होती हैं, और जैसे ही इसकी तिथियाँ घोषित होती हैं अप्लाई करने की तो हेड्स को ये डायरेक्शंस हैं कि वो प्रेयर में हर रोज़ लगभग जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता तो बच्चों को मोटिवेट करें कि अलग अलग स्कीम्स के साथ जहाँ पे वो पात्र हैं उसके लिए वो अप्लाई करें। और अभी हाल ही में हमने एक और सर्कुलर भेजा है फील्ड्स को, अभी जो डेट एक्सटेंड हुई है तो पहले ये 30 नवंबर 2022 तक थी, अब विभाग ने इसको इस डेट को अप्लाई करने की जो डेट है वो 31 दिसंबर 2022 तक कर दी है, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमने सभी स्कूल हेड्स को भेज दी है ताकि अगर किसी कारणवश बच्चे कोई इसको अप्लाई करने से छूट गए हों तो वो भी इस समय से इसको अप्लाई कर सके। CD चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।